वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इन बदमाशों पर कई तरह के केस चल रहे थे और इन पर गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ था। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर 5,000 का इनाम रखा था और इनकी तलाश कई दिनों से जारी थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। ये पुलिस आयुक्त श्री सुजीत पांडे सर के निर्देशन में जो वांछितों और गैंगस्टर के मुलजिमों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है पूरे लखनऊ में, उसी सिलसिले में मोहनलालगंज थाने ने दो शातिर मुलजिम जो गैंगस्टर में वांछित थे उनको आज सुबह गिरफ्तार किया है। उसमें जो फयाज पुत्र असलम है वो खीरो रायबरेली का रहने वाला है और दूसरा सौरभ शर्मा जो चैतीखेड़ा मोहनलालगंज का ही रहने वाला है, दोनों को मॉर्निंग में गिरफ्तार किया गया है। सर, क्रिमिनल हिस्ट्री क्या रही है? इन दोनों ने लखनऊ के अलावा उन्नाव जनपद में भी चोरी के मुकदमे में वहाँ पे वांछित है और ये लोग ग्रुप बना करके एक गैंग बना करके चोरी और नकबजनी को अंजाम देते हैं। सर, बरामद क्या क्या उनके पास है? इनके पास से कोई बरामद नहीं हुआ है, बस ये वांछित चल रहे थे गैंगस्टर में सितंबर से और इनकी अरेस्टिंग अभी हुई है।